आपने अक्सर मोबाइल फोन, कार या बाइक गायब हो जाने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की राजधानी लखनऊ से पूरा का पूरा एक हेलीकॉप्टर ही गायब हो गया, वो भी लखनऊ नगर निगम की नाक के नीचे से, और इसकी जानकारी आज के दिन तक किसी के पास नहीं। दरअसल लखनऊ की वृंदावन योजना में 10 फरवरी 2020 को एक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। इस एक्सपो में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO में बना एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो कि चिनूक था, उसे डिस्प्ले किया गया था। जो कहां गया है ये किसी को पता नहीं। इसका जवाब नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी नहीं है। साल 2020 में डिफेंस एक्सपो के दौरान DRDO ने स्क्रैप से बना चिनूक हेलीकॉप्टर का हूबहू मॉडल एंट्री गेट के पास डिस्प्ले किया था। एक्सपो में पहुंचने वाले लोगों ने हेलीकॉप्टर के इस मॉडल के साथ जमकर सेल्फियां ली थी। एक्सपो खत्म हुआ इसके बाद भी हेलीकॉप्टर लोहे के मजबूत प्लेटफॉर्म पर यहां खड़ा रहा। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी नगर निगम के पास थी। फरवरी 2023 में आयोजित G20 समिट के कार्यक्रम के इस मैदान पर होने की बात सामने आई तो नगर निगम ने हेलीकॉप्टर को पिलर कमजोर होने और इलाके में VIP मूवमेंट का हवाला देते हुए हटा दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर का क्या हुआ किसी को नहीं पता है। वही हेलीकॉप्टर गायब होने की लिखित शिकायत अप्रैल 2023 में कर दी गई थी, जो संयुक्त सचिव कल्याण बनर्जी से की गई थी। शिकायत के बाद कल्याण ने लखनऊ नगर निगम के अफसरों से पूछा कि हेलीकॉप्टर कहां गया। उस वक्त नगर निगम जोन 8 के जोनल सैनिटरी अफसर राजेश झा ने लिखित जवाब दिया कि हेलीकॉप्टर गोमती नगर स्थित निगम के रबिश एंड रिमूवेबल कार्यशाला में मरम्मत के लिए भेजा गया। हालांकि मौजूदा RR चीफ मनोज प्रभात का कहना है कि ऐसा कोई भी हेलीकॉप्टर कार्यशाला में नहीं आया है और न ही पूर्व में इसकी कोई एंट्री। वही खबर सामने आई तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर की फोटो पोस्ट करते हुए एक कैप्शन लिखा, जिसमें लिखा कि सरकार चुरा लेने वाले भाजपा राज में हेलीकॉप्टर चोरी हो जाना कौन सी बड़ी बात। वही इस घटना पर जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो या तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया या फिर किसी और अधिकारी की जिम्मेदारी होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब लोगों के बीच में और अधिकारियों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर हेलीकॉप्टर का मॉडल गया कहां। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन। नमस्कार।